नीतीश कुमार का जो बयान है, मैं समझता हूँ वो मानसिक स्थिति अपनी खो चुकी है। मुख्यमंत्री को अगर वो ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो उनको खुद इस्तीफा देकर अपने विभाग की जांच करानी चाहिए कि उनके विभाग में कितना भ्रष्टाचार। मेजिनी ने एक शब्द बोला था कि यदि देश की तरक्की चाहते हैं तो शासन युवा के हाथ में दे दीजिए। तेजस्वी ने 17 महीना में जो करके दिखाया, घोटाला कर रहे थे, वो पलटू मार है, कभी बीजेपी में जाएगा कभी आरजेडी में जाएगा। क्या लगता है, यहाँ न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, हम लोगों को चाहिए रोजगार। नीतीश कुमार तो खुद घोटाबाज है, वो कुछ तो क्या कहेगा, घोटाबाज कहेगा वो। वह उनका कहना टोटल गलत है, वो भागे हैं उसमें से, तब तक लक्षणा लगाएवे करेंगे। अपनी जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और ये जनसैलाब आप सीतामढ़ी की धरती से देख पा रहे हैं, जहां तमाम लोग तेजस्वी यादव के समर्थन में पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव को सुनने पहुंचे हैं। क्या लगता है, तेजस्वी यादव आप लोगों से समर्थन लेने पहुंचे, कितना समर्थन दीजिएगा? सवाल पूछने पहुंचे हैं, अपने काम को गिनवाने पहुंचे तेजस्वी यादव, क्या लगता है लोकसभा में आप लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा? बहुत, पूरा पूरा समर्थन है हम लोगों को। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे कि घोटाला कर रहे थे तेजस्वी यादव, अब उतना तो हम लोग नहीं जानते, क्या कहिएगा? गलत बोल रहे हैं, घोटाला क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जितने 17 महीना में नौकरी दिए है, आज तक 17 साल में नीतीश कुमार नहीं दिए है। 17 महीना में जितना तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, उतना 17 साल में। जदयू कह रही है कि यह मुख्यमंत्री की पहल थी, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। तो नहीं तो 17 साल पहले क्यों नहीं क्रेडिट लिए, वो लेना चाहिए ना। 9 बार ना मुख्यमंत्री रहे, ना ना 9 बार रहे चाहे 20 बार, क्यों नहीं लिए क्रेडिट, लेना चाहिए था ना उनको। 17 महीना में नीतीश कुमार को अंदर रख के तेजस्वी यादव दिखाया। तेजस्वी यादव आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, उन्हें कितना समर्थन मिलेगा आप लोगों से? बहुत, तेजस्वी यादव फुल समर्थन मिलेगा, उसको सरकार बनाएंगे बिहार में। हाँ, फुल मोहम्मद से बनवाएंगे। लगता है कि नीतीश जी ने मोदी के साथ हमें हाथ मिला लिया है, तो अब ये संभव है? गलत किया, वो गलत किया है, गलत किया, कहीं से अच्छा नहीं किया है। वो तो कितना अति बार बार वो आता है, मिल जाता है सरकारी, इसमें मिल जाता है, जो मोदी के पास चले जाता है। अब नीतीश मोदी साथ हैं तो महागठबंधन जीत हासिल कर पाएगी? नहीं, संभव है? नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव। सवाल नहीं समझे, नीतीश मोदी साथ हैं तो महागठबंधन जीत हासिल कर पाएगी, ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। क्या लगता है, यहाँ न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, हम लोगों को चाहिए रोजगार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे। माननीय तेजस्वी यादव जी ने जब महागठबंधन में सरकार बनाए थे तो उन्होंने कर दिखाया है, और चाचा जी नीतीश चाचा जी जो पलटी मारे एनडीए में और 9 बार जो शपथ लिए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, यही सीतामढ़ी की माँ सीता की धरती से 8वां विधानसभा इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे फुल बहुमत से जीतेंगे। और पूरा हवाई फील्ड में जो आज लाखों की तादाद है, लोग जो भिड़े हुए हैं, जिनमें जोश है, आपको यही जोश मतदान के दिन भी दिखेगा। तेजस्वी पर कितना भरोसा है? सर, बिहार में युवा मुख्यमंत्री, बिहार के जनता चाह रही है। मेजिनी ने एक शब्द बोला था कि यदि देश की तरक्की चाहते हैं तो शासन युवा के हाथ में दे दीजिए। तेजस्वी ने 17 महीना में जो करके दिखाया, पूरे भारत में कोई भी नेता नहीं दिखाया है, इसीलिए नौजवान और बुजुर्गों सभी को तेजस्वी यादव से काफ़ी उम्मीद है, और मुझे भी काफ़ी उम्मीद है कि जब ये बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 साल में इतना रोजगार दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है यह बिहार में 5 साल में जो है लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार और नौकरी। मुख्यमंत्री बनाइएगा? निश्चित रूप से हम लोग जो है फुल समर्थन है, तन मन धन से हम जोश दिख नहीं रहा आप लोगों में, तो कैसे? एकदम बिल्कुल जोश है, हिमालय की गोद से दरिया निकलनी चाहिए, बिहार में इस बार परिवर्तन होनी चाहिए और मुख्यमंत्री सिर्फ तेजस्वी यादव ही बननी चाहिए। विश्वास है कि नौकरियों का भरमार है, अगला सीएम है पलटी राम की, पलटू राम जो उसकी तरह नहीं है, जो पलटू राम पलट के इधर उधर उधर वो का नहीं नहीं है। आज जो एक नेता है आपके गारंटी वाले, उसके उसके जैसे भी नहीं है, जो गारंटी देते एक ही चीज। कुमार तो कह रहे कि तेजस्वी ने घोटाला किया। नीतीश कुमार घोटाला किए होंगे तब डर से ईडी सीबीआई के चक्कर में चलेगा। एकदम समर्थन में है, सीतामढ़ी से 2025 में 8वां विधानसभा लालू का तय है, इतना जान लीजिए। और सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, तो जिस सरकार का मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है, अगर उसके जानकारी में ये था कि भ्रष्टाचार हो रहा था, तो वो उस जवाबदेही से नहीं बच सकते। मुख्यमंत्री को अगर वो ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं,
तो उनको खुद इस्तीफा देकर अपने विभाग की जांच करानी चाहिए कि उनके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। तेजस्वी, आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, विश्वास जितने पहुंचे हैं, युवाओं का विश्वास है, राहुल गांधी इस देश की आस है और निश्चित रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस देश को आगे लेके जाएंगे। हम लोग देश को एकजुट करेंगे, बिहार भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे तेजस्वी, आप लोगों के बीच पहुँचे हैं, तेजस्वी भाई बहुत अच्छे नेता हैं, वो बिहार को आगे निकाल ले जाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है हमें और सारी जनता का विश्वास, सारी जनता उनके साथ है। क्या कहेंगे तेजस्वी, आप लोगों के बीच पहुंचे हैं? जी ठीक है, विश्वास है? विश्वास है, समर्थन देंगे? जी, तेजस्वी यादव जो किया 17 महीना में, जो बीजेपी 17 साल में नहीं कर सका, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा नेता है, युवा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 17 महीनों में घोटाला कर रहे थे, वो पलटू मार है, कभी बीजेपी में जाएगा, कभी आरजेडी में जाएगा, तेजस्वी का परतर कहियो नहीं, परतर क्या करे अब। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में कर दिए हैं, नौकरी बेरोजगारी दूर, लगभग 10 साल से मोदी जी सरकार है दिल्ली में बैठे हुए, उनसे भी नहीं हुआ 10 साल में, वो क्या किए 10 साल मोदी जी के हुआ ना, अभी 15वां साल चुनाव होगा तो होगा, लेकिन 15 साल 10 साल में वो क्या किए? इस देश के जनता के महंगाई से लेकर के और हर तरह से शोषित करने का काम। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार आई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो घोटाला कर रहे थे, वह उनका कहना टोटल गलत है। वो भागे हैं उसमें से, तब तक लक्षणा लगाएवे करेंगे। अच्छा, अब तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्या हाँ, लगता है कितना समर्थन देंगे उन्हें? हाँ, तेजस्वी यादव का पूरा समर्थन इस बार बिहार में मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनेगा पटना में, यह पूरा विश्वास है। कितना समर्थन दीजिएगा तेजस्वी को? जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जिंदाबाद रहेगा और फिर रहेगा, जो नीतीश कुमार 10 साल में नहीं कर पाए, जो 17 महीना में तेजस्वी भैया करके दिखाया है, हम सबको आगे पहुंचाने का अगले बार में काम करेगा। किसके साथ है? तेजस्वी के साथ है हम लोग। लेकिन नीतीश कुमार तो कर रहे हैं घोटाला कर रहे थे। नहीं, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। सीतामढ़ी की धरती और तेजस्वी यादव का सम्मेलन, हाथों में तेजस्वी यादव का पोस्टर और यह सभा है जन विश्वास यात्रा की सभा। तेजस्वी यादव मंच पर हैं और संबोधन कर रहे हैं और नीचे जनता उनसे मिलने का इंतजार कर रही है, एक मुलाकात का इंतजार कर रही है। तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्या लगता है कितना समर्थन दीजिएगा? देखिए, बिहार का तपस्वी है बिहार का तेजस्वी, और आज जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा की जो पहली चरण निकली है और आज सीतामढ़ी में पहुँचे हैं, सीतामढ़ी में इतनी अपार भीड़ जुटी है, इतनी अपार भीड़ आप देख सकते हैं कि मंच पर भी इतने लोग चढ़ गए हैं कि मंच भी हमारा टूट गया, तो अपार भीड़ जुट जाने के कारण मंच पर ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, और हमारे नेता का जो जनता के प्रति जो विश्वास है, चूँकि लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं, हमारे आपको आज से 17 महीना पूर्व बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कुर्सी कुमार उर्फ पलटू राम, जब उनको भाजपा वाले उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे थे, वो दौड़ता हुआ हमारे नेता वंचित शोषित की आवाज़ बाबू लालू प्रसाद। ये बताइए कि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो घोटाला कर रहे थे, और अब तेजस्वी यादव आप लोगों के बीच पहुँचे हैं तो समर्थन तेजस्वी यादव को मिलेगा 100%? नीतीश कुमार क्या बोलते हैं उनको तो खुद पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं उनको तो पता नहीं, आप भी जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं। नीतीश कुमार का जो बयान है, मैं समझता हूँ वो मानसिक स्थिति अपनी खो चुके हैं। लेकिन लोकसभा में नीतीश और मोदी ने हाथ मिला लिया है तो महागठबंधन जीत हासिल कर पाएगी, कहाँ तक संभव? आप एक चीज बता दे रहा हूँ, पलटू राम जो होते हैं नीतीश कुमार ही नहीं है, ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो भी बहुत बड़ा पलटू राम है, चूंकि वो भी क्या कहे थे कि कुछ भी हो जाएगा उसका दरवाजा बंद है, तो पलटू राम तो दोनों हैं, और जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी के साथ है, तो हम लोग अपार बहु माने पूरे 40-40 वो दावा कर रहा है, लेकिन जनता हम लोगों के साथ है, हम लोग जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, समर्थन मिलेगा आपको? तो लगता ही होगा, निश्चित रूप से समर्थन मिल भी रहा है, मिलेगा।
100 में 100% समर्थन मिलेगा। युवाओं के लिए सिर्फ तेजस्वी भी पर भी भरोसा है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बना 2014 में, उसने पटना के गांधी मैदान में आए हुए थे तो बिहार के जनता के साथ वादा किए हुए थे कि हमारा जो जब मेरा जो सरकार बनेगा केंद्र में तो हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देंगे। अभी तक 10 साल हो गया, विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिला है। और नीतीश जी के बात कर रहे हैं आप, नीतीश जी कहीं नहीं है अब, जनता उससे उब चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार इतना पलटू मारता है ना, इतना किसी लड़की ने भी अपने बॉयफ्रेंड को पलटी नहीं मारा होगा, समझ गए कि ना, इतना किसी लड़की ने भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए पलटी मारा होगा, इतना नीतीश कुमार बिहार के जनता के साथ धोखा किया है। इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार से 40 में 40 सीट महागठबंधन इस बार लोकसभा में जीतेंगे और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप लिख कर रख लीजिए, नहीं विश्वास होता है तो स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा। मेरा नाम है सुमन यादव, युवा नेता हूं मैं, और तेजस्वी जी पर भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि तेजस्वी जी 17 महीना में जो काम करके दिखलाए हैं, जो 10 साल से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरकार नहीं कर पाए हैं। बीजेपी के जो सरकार जो जब बना तो वो बोला कि 2 करोड़ युवाओं के प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। देखिए, जो गैस 400 में मिलता था वो गैस अभी 1200 में मिल रहा है। जो पेट्रोल हम 55 रुपये लीटर खरीदते थे वो पेट्रोल अभी 110 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है। जो सरसों के तेल हम 50 रुपये लीटर खाते थे वो सरसों के तेल अभी हम 150। ये कि तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, कैसे स्वागत कीजिएगा उनका? तेजस्वी जी को हम लोग अपने वोट से, एक एक वोट से स्वागत करेंगे। और लोकसभा में कहने से कुछ नहीं होता है, उसको हम सीट जितवा कर भेजेंगे सीतामढ़ी जिला से और करके दिखलाएंगे और उसको गद्दी पर बैठा कर दिखाएंगे। जब तक बैठाएंगे नहीं तब तक हम लोग बिहार के युवा चैन से बैठेंगे नहीं और उसको अगला सीएम 2025 में फुल बहुमत से 200 पार रहेगा। खाली कर देना है पटना, खाली करवा देना है नीतीश कुमार को, खाली करवा देना है पटना। कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव बैठेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे कि घोटाला कर रहे थे। ये कौन घोटाला कर रहे थे? वो कह रहा है, वो तो खुद घोटालाबाज है। नीतीश कुमार तो खुद घोटालाबाज है, वो कुछ तो क्या कहेगा, घोटालाबाज कहेगा वो? नीतीश कुमार खुद घोटालाबाज है, वो बचने के लिए कह रहा है जो वो घोटालाबाज है, बचने के लिए चल गया है राठी में, किससे बचने के लिए? मोदी जी के, मोदी जी में, मोदी जी में चल गया और सीबीआई से बचने के लिए चले गए हैं नीतीश कुमार जी मोदी जी के गोदी में। अमित शाह जी क्या बोले हुए थे पूर्णिया में आए हुए थे तो कहे हुए थे कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजा बंद है। तो कहां से अभी दरवाजा खोल दिए है आप? पलटू राम तो यहाँ पर बीजेपी भी है ना, बीजेपी अगर जितना कर रहा है कि 400 पार तो उसको क्या जरूरत है इतना माने पर? क्या कहिएगा बाबा? तेजस्वी आए हैं आप लोगों के बीच, समर्थन मिलेगा? समर्थन मिलेगा तेजस्वी को? यस मिलेगा, भूल बहुमत के साथ मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे कि ये घोटाला कर रहे थे। सबसे बड़ा घोटालाबाज नीतीश कुमार है। तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, कितना समर्थन मिलेगा? 100%, मोर देन 100%। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि ये घोटाला कर रहे थे जब सरकार में थे। वो लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के लायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने जो बयान दिया है विधानसभा में वो पूरे बिहार की नारियां महिलाएं सुनी है। उनसे जाके पूछिए कि क्या उनका जो वक्तव्य है वो काबिले बर्दाश्त है, क्या वो विधानसभा के लायक हैं। इस बार बिहार की जनता उनको विधानसभा से बाहर करेगी। क्या लगता है किनको समर्थन मिलना चाहिए इस बार? तेजस्वी जी को मिलना चाहिए। क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? तेजस्वी जी, उनसे बढ़ के कोई नेता ही नहीं है सीतामढ़ी बिहार का। इन्होंने जो कहा था इसी मैदान में उसके अनुरूप 17 महीने में सबको रोजगार दिया। विरोधी लोग घबरा गए कि अगर यही 10 लाख का वादा किए हैं अगले साल 14 महीने में ये अपना वादा पूरा कर देते। ठीक, किनको समर्थन कीजिएगा? हम तो इसी महागठबंधन को समर्थन करेंगे। तेजस्वी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, आप लोगों से सवाल पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, समर्थन मांग रहे हैं जी। समर्थन करेंगे। किन्हें समर्थन मिलना चाहिए? अरे तेजस्वी को समर्थन जाके हम लोग करेंगे, है करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ये घोटाला कर रहे थे जब सरकार में थे। जब तक जाकर नीतीश कुमार जाके वो मशीन से चुनाव करेंगे, उनकी सरकार है तो सब दिन घोटाला करेंगे। जब तक वो जाके वो अपना जाके मशीन नहीं बदलेंगे, बैलेट से चुनाव नहीं कराएंगे तो सब दिन जाके नीतीश कुमार जाके सब दिन घोटाला करेंगे।
उनकी सरकार रहेगा, उनको सबको खरीदेंगे, जो कुछ आएगा वही करेगा। अगर आज अपनी जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचते हैं तो यहां की जनता कहती है कि इस बार लोकसभा में 40 की 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाने वाली है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है और तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक बात घोटाले की है, जो घोटाले की बात जदयू कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो घोटाला खुद मुख्यमंत्री करते हैं, ऐसा कहना है सीतामढ़ी के इस भूमि पर मौजूद तमाम लोगों का। और इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव बनेंगे। साफ है कि लोकसभा चुनाव में 40 सीट और उसके बाद विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, सीतामढ़ी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।